ऋषभने मागील सामन्यामध्ये सुद्धा ही सुरुवातदार फलंदाजी केली होती. यावेळी शेंडसन तर घ्या, शेंड जातो सीमा रेषेच्या पलीकडे चौकार. मात्र यावेळी चेंडूला फेरून मारण्याचा प्रयत्न चेंडू लिंकलर मध्ये केलाय. चेंडू आपण पाहायला मिळतोय लॉंग लेगच्या दिशेने चेंडू गेला, त्यामुळे विजय मिळणार आहे. डबल डबलची धावा लागतात. साजन मात्रे पुढला चेंडू साजनचा इकडे चांगला फटका आलाय, परंतु पारितोषिक सुद्धा आलेला आहे. दर्शन वागडे साठी पारितोषिक राजू सिद्धरकर काय अपोजिट आहे बघा, फक्त दर्शन साठी. या ठिकाणी फटका केला, चेंडू जातो तिकडे प्रणय सगळ्या चेंडूवरती एकेरी धावाचं रूपांतर. या ठिकाणी दुसरी धाव सुद्धा केलेला पाहायला मिळतोय. होम पिच वरती आज या अमृत दादा एक बार वेलकम राउंड विकेट बाय हाथ के बल्लेबाज के लिए ऋषभ. यहाँ ओवर दिस गेंद थी, उसे ऑन द राइट गेंद लिया. लॉन्ग ऑफ खाली है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचेंगे फील्ड करेंगे तब तक गेंद सी मारेगा के बाहर. तन तना दी निकल गई चार. शुभम फिर से एक बार एक्सपायर कट कर दिया है, मगर डिक्लेयर जोन में गेंद जा चुके हैं. कमाल की शुरुआत, बढ़िया शुरुआत, इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है. नंबर वन गेंद बहुत ही अच्छी सोच शुभम की, मगर उतना ही शुभम के ऊपर. शुभम इस पर दबा फिर से एक बार थोड़ी सी छोटा फिर गेंद कर गए, उसका फायदा उठाया. गेंद फिर से एक बार डीप कवर की दिशा में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग. इस मरतबा एक ऊंची छलांग लगाई उस गेंद को अपने विकेट चटकाने के बावजूद महंगे साबित होते हुए. जी हाँ, इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट फिर से एक बार उसे अपने आगे आकर उस गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला. अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, उसके बावजूद हम देख सकते हैं उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. दोनों भी बल्ले लगाने वाले बल्लेबाज को पैतालीस रन ऋषभ खेल रहे हैं. 42 रनों पर इस प्रतियोगिता का पहला आधा शतक या ऋषभ अपने नाम करेंगे. फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया रनिंग करेंगे. दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, कमाल की रनिंग, विशाल स्कोर की तरफ बढ़ते हुए अपनी गेंद रहेगी. जी हाँ, इस बदबा कलाई का इस्तेमाल किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉट स्क्वायर लेग खाली है और दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े. और देखते देखते दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों में धूल झोंकते हुए दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया. कालियों की कहा जाता है कि डोड़े सब पारण और फिटल तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है. प्रणय अब सोचते हुए कि इस बल्लेबाज के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाए, क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनानी पड़ेगी. इसी सोच में बल्लेबाज को बरसने की कोशिश करते हुए दौड़ पड़े. राइट का मूवर विकेट प्रदर्शन जारी है. इसमें दबा बहुत ही अच्छी गेंद थी, फंसाया था मगर खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई डिंगर जोन में धीरे धीरे, और इस बीच एक ही रन यहाँ पे मिलेगा. पहला आधा शतक यहाँ पे लगाई गई, ऐतिहासिक पारी, यादगार पारी और अपनी जिंदगी में न भूलने वाली पारी. इस मरतबा कारपेट के सहारे बहुत ही सीधे बल्ले से खेला था, सीधे बल्ले अंदाज के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे. एक ही रन यहाँ पे मिलेगा. ऋषभ अब अंतिम ओवर में पूरी तरीके से फ्री ऑफ लाइन कर उनको बड़े स्ट्रॉक खेलने का लाइसेंस मिल गया है. इस मरतबा इंडिया को खेल का हालांकि शतक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए दूसरा रन भी मुकम्मल, बहुत ही बढ़िया. और इसके साथ कार्यों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए. 50 रन मुकम्मल ऋषभ के व्यक्तिगत रूप से 17 गेंदों का सामना किया, 50 का आंकड़ा छुआ है ऋषभ ने. बहुत ही बढ़िया इस प्रतियोगिता है. टीम का स्कोर देखिए यहाँ पे 53 रन. फिर से एक बार इस
मतलब खराब किए गोल से खेल दिया लिंगर ने सीमा रेखा के बाहर गेंद फिर से एक बार हवाई सफर करते हुए दर्शक दीर्घा में 6 रनों की शायद 10 रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाती हुई 59 रन ऑन द स्कोर बोर्ड सेट रन हो चुके हैं। अभी गेंद फिर से एक बार हेमंत की यहां लॉर्ड बुलडॉग गेंद से सीधे बल्ले से खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में सर्विस मौजूद सर्विस जब तक फील करेंगे तब तक दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े मगर इस मरतबा दूसरे रन के लिए रन आउट के रूप में बल्लेबाज सभी तकरीबन यहाँ पे बल्लेबाज गेंदे जो है वो ऋषभ ने खेली है और इसके साथ फिर से एक बार यहाँ पे कैच ड्रॉप होता हुआ जीवन दान मिलता हुआ रन आउट के रूप में ऊपर वाले की साथ यहाँ पे जब हो तो फिर जरूर डरने की क्या बात हो। अपनी गेंद फिर से एक बार हेमंत की यहाँ फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया मगर आसमान में गेंद फिर से एक बार नोमैन लाइन में गेंद और इसी के साथ इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त है दो रन लेने का दो रन आसानी के साथ पूरे की चौके के लिए 100 रुपए का इनाम प्रदीप वाकड़े की जानिब से छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम यहां पे आता हुआ इस बीच हम देख सकते हैं रनआउट का खतरा और रनआउट होके ऋषभ को वापिस आना पड़ेगा।